नमस्ते साथियों गिंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है तो आज एक जनवरी है दोस्तों तो नौ वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग अगर आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं अगर कुछ हौसला रखते हैं कुछ पाना चाहते हैं तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान के द्वारा पूरी की जाए और अपने लगन से उस चीज को आप जो है मेहनत से अपने जीवन में हासिल करें तो ये जो है हमारी तरफ से आप लोगों के प्रति बहुत स्नेह प्यार है और आप लोग को भगवान से दुआ करते हैं कि आप जो चीज की तैयारी करते हैं जो चीज की तैयारी करते हैं उसमें लगन से मेहनत से उस चीज को हासिल जरूर कीजिए तो एक जनवरी है ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए तो हम आपके लिए जो कंप्लीट है जो जीएस के क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कराने वाले हैं प्रैक्टिस से कराने वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के प्रति इतना प्यार दुलार सब रखते हैं इतने प्रश्नों को लाते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ट्रिक जीके ट्रिक्स में देख लेते हैं पहला जो है कि भारत की जो स्थल सीमा पर जो पड़ोसी देश हैं उसको हम लोग किस तरह याद करेंगे अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह जरूर याद कर सकते हैं जुबान पर रख सकते हैं तो इसका जो मुख्य ट्रिक है बचपन में एमबीए किया बचपन में एमबीए किया तो देख सकते हैं यहां पे अच्छे तरीका से आप लोगों को बता दिए हैं, ब, ब, से हो गया बांग्लादेश अगर इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो चार हजार छियानबे किलोमीटर है और हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों का इसी वीडियो में तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चा से चीन हो जाएगा इसकी जो स्थलीय सीमा है तीन हजार नौ सौ सत्रह किलोमीटर की बात करें पसे पाकिस्तान किलोमीटर नेपाल हो जाएगा एक हजार सात सौ बावन किलोमीटर आगे देख लीजिए एम से म्यांमार होगा यह एक हजार चार सौ अंठावन किलोमीटर बी से भूटान होगा पांच सौ सतासी किलोमीटर और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा अस्सी किलोमीटर तो ये जो आप लोगों को ट्रिक बताए हैं ये भारत की स्थलीय सीमा से सटे हुए पड़ोसी देश है और बचपन में एम बी ए किया इस ट्रिक को आप लोग जरूर याद कीजिएगा ठीक है तो देखिए आते हैं प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर है कि कौन सा तत्व जो है सबसे कम सक्रिय होता है तो यहां पे जो हमने लिखे हैं यहां पे टाइप करने में कुछ इस तरह के ऑप्शन आ गए हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा जो चांदी हो जाएगा ये चांदी यह ये सबसे कम सक्रिय होता है इसके बाद अगर बात करें सीसा भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा सीसा भी होता है तो ठीक है तो कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है तो चांदी और सीसा दोनों याद कीजिएगा दूसरा देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या सात थी कितनी थी तो सात थी ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थ्री है प्रश्न थ्री कि सबसे छोटा अंग कौन सा है तो राइबोसोम राइबोसोम जो हो जाएगा यह सबसे छोटा अंग होता है है नेक्स्ट प्रश्न जो कोश कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दियान ए रियासत नियुक्त किया था तब मलिक याकूब को किसको नियुक्त किए थे तो मलिक याकूब को जो है दियान ए रियासत नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्लियर नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रश्न पांच है कि बेगम अख्तर ज्ञान की किस विद्या से संबंध थे तो गजल गायकी से संबंध थे बेगम अख्तर जो थे ये किसे विद्या से संबंध थे विद्या से तो गजल गायकी से रिलेटेड थे आगे देखिए यहाँ पे जो आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सेवन है कि ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है तो सूर्य किरण से प्रज्वलित किया जाती है ओलंपिक जो मसाल है यह किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है तो सूर्य किरण है आगे देख सकते हैं प्रश्न नाइन है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल सर्वाधिक दास था दास थे, तो फिरोज शाह था यह सबसे ज्यादा था और दोस्तों यहां से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ओ, आप लोग इसे जरूर देखिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए लाए ये सारे प्रश्न लुसेंट के ही हैं ओके आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे जो टेन प्रश्न है कि माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध थे तो ये जो थे वन जीव पर फिल्म निर्माण से रिलेटेड थे माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध थे तो वन जीव पर जो फिल्म निर्माण हो रहा था इसी से ये रिलेटेड है प्रश्न देखते हैं 11 जो प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है तो वह जो भौतिक राशि है उसका नाम है द्रव्यमान क्या कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है द्रव्यमान इसको इंग्लिश में मास कहा जाता है ठीक है आगे देख सकते हैं प्रश्न जो यहां पे ट्वेंटी प्रश्न है कि संविधान सभा के झांडा समिति के कौन अध्यक्ष थे तो जेपी कृपलानी जेपी कृपलानी जो थे ये संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पे जो थर्टीन प्रश्न है कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है तो मिश्रण है दो तरह का मिश्रण होता है एक समांग मिश्रण होता है एक होता है समांग मिश्रण और दूसरा होता है असमांग मिश्रण। तो लोहा एवं गंधक का जो मिश्रण है यह कौन सा मिश्रण हो जाएगा असमांग मिश्रण हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो फोर्टीन प्रश्न है कि वन जीव पर फिल्म निर्माण से औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे ढक्कन का सुबेदार बनाकर भेजा था तो साहिस्ता खान को भेजा था किसको ढक्कन का सुबेदार बनाकर भेजा था तो साहिस्ता खान को भेजा था किसने बिन किसने भेजा था तो औरंगजेब ने शिवाजी जी के विरुद्ध में किसको साहिस्ता खान को ढक्कन का सुबेदार बनाकर आ, इनको भेजा गया था बंद जीव पर फिल्म निर्माण से ठीक है फिफ्टीन प्रश्न है कि यहूदी मेनुन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे तो यह वायलिन के वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन थे तो वायलिन से थे कौन तो मेनु हीन मेनुहीन जो यहूदी थे ओके आगे देखते देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है सोलह सोलह जो प्रश्न है कि सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है वह क्या कहलाता है तो वह उसे सौर कलंक के नाम से जानते हैं सौर कलंक जो है इसी से नाम से जानते हैं इसको तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है सेवेंटीन की विश्व में सर्वप्रथम किस अंक का प्रत्यारोपण संभव हुआ तो हृदय का हुआ था किस अंग का सबसे पहले प्रत्यारोपण संभव हुआ था हृदय का हृदय जो है एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है कितना बार धड़कता है तो बहत्तर बार धड़कता है और यह सबसे व्यस्त अंग जो शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग पूछा जाता है तो वह हृदय ही शरीर का सबसे व्यस्त अंग है यहाँ पे जो एटीन प्रश्न है कि जनगणना के तर्ज पर गणना वाला भारत का कौन सा राज्य है तो वह कर्नाटक हो जाएगा भारत का वह कौन सा राज्य है जो जनगणना की तरफ मृत्यु की गणना किया है उसका नाम हो जाएगा कर्नाटक नेक्स्ट प्रश्न 19 है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वह असद खान को बजीट बनाए तो उसका मुगल बादशाह का नाम हो जाएगा औरंगजेब क्या हो जाएगा मुगल बादशाह का नाम औरंगजेब हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए ट्वेंटी प्रश्न है कि हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित से रिलेटेड थे ये संबंधित थे तो पॉप गायिका से रिलेटेड थे ट्वेंटी वन प्रश्न देखिए यहां पे जो ट्वेंटी वन प्रश्न है कि, कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है तो पुरुष का होता है जो संतान में जो उत्पत्ति करता है लिंग निर्धारण का वह होता है पुरुष का होता है ठीक है लिंग निर्धारण में दो होते हैं एक होता है और यहाँ पे वाई होता है फिर इसके बाद जो यहाँ पे जाइगोट बनता है ठीक है तो बहुत सारा कुछ इसमें है यहाँ पे जो टेवेंटी टू प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है तो अनुच्छेद जो चौदह है अनुच्छेद चौदह के भाग थ्री में जो है तहत के विधि के समझ समानता का वर्णन किया गया है नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पे जो ट्वेंटी थ्री प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या जाता तो कहा जाता है तो अष्ट प्रधान कहा जाता है ट्वेंटी फोर प्रश्न है कि शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया तो मराठी को शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था तो मराठी भाषा को शिवाजी ने राजभाषा बनाया आगे देख सकते हैं जो यहां पे 25 है कि तरण तर मेला तरण तर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है तो ये गुजरात का है तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है तो गुजरात का है नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहां पे ट्वेंटी सिक्स प्रश्न कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का मात्रा का कितना होता है तो बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है तो एक बटा छे होता है कितना होता है दोस्तों तो एक बटा छ होता है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पे जो ट्वेंटी सेवन प्रश्न है कि कौन जो है भारत का अंतिम वायसराय था भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड माउंट बेटन जो थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे ठीक है ट्वेंटी एट प्रश्न देखिए ट्वेंटी एट प्रश्न है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी तो जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी वह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी नेक्स्ट प्रश्न देखिए आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो अठारह में, में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी अठारह में यहां पे जो थर्टी प्रश्न है कि छामावाड़ी किस धर्म से संबंधित यह त्योहार है यह जैन धर्म से संबंधित यह त्योहार है छामावाड़ी ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे थर्टी वन प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है तो में अगर कोई भी वस्तु गिरता है स्वतंत्र रूप से तो उसका जो होता है वह समान होता है या कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा बराबर होता है ठीक है तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा यहाँ पे जो 32 प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है तो आर्टिकल जो जो है, है, इसी में में लोक के विषय अवसर की जो है उसको प्रदान किया गया है थर्टी थ्री प्रश्न है कि किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथीकरण किया जाता है तो क्रिस्टलन क्रिस्टिकल क्रिस्टलन जो विधि होता है जो किसको क्रिस्टलीकरण विधि कहा जाता है उसी में मिश्रणों को को अपघटित करके उसको पृष्ठ पृथककरण किया जाता है अलग किया जाता है तो क्रिस्टलीकरण विधि भी, भी आप याद कर सकते हैं ठीक है यहां पे जो थर्टी फोर प्रश्न है कि किसने आर्य समाज की स्थापना किए थे तो दै, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अठारह सौ में, में जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे नवरोज यहाँ पे जो थर्टी फाइव प्रश्न है कि रोज किन लोगों का वर्ष दिवस है तो पारसियों का है देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है नवरोज जो है यह किन लोगों का नव वर्ष दिवस है तो पारसियों का है ठीक है यहां पे जो थर्टी सिक्स प्रश्न है, है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो डीमोस याद कीजिएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है कि रोहड़ी क्षेत्र के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था तो 1980 सौ ईस्वी में किया गया था रोहणी श्रेणी के जो प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 1980 सौ ईस्वी में किया गया था नेक्स्ट देखिए प्रश्न कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था तो 1961 से उन्नीस था तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल उन्नीस से लेकर उन्नीस था ठीक है आगे देख सकते हैं थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पे जो थर्टी नाइन प्रश्न है कि, कि किसने कहा किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए हैं, जो आर्य समाज की स्थापना किए थे तो दयानंद सरस्वती यहाँ पे राइट आंसर सही होगा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने इस बातों का उल्लेख किए हैं इस बातों का कहे हैं इस बातों को कहे हैं यहाँ पे जो फोर्टी प्रश्न है कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो कर्नाटक में मनाया जाता है उगादी उत्सव उगा मनाया जाता है तो कर्नाटक में मनाया जाता है फोर्टी वन प्रश्न है कि क्रोमोसोम की, की संरचना में कौन भाग लेते हैं तो डीएनए और प्रोटीन जो डीएनए और प्रोटीन होते हैं ये क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं फोर्टी टू प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद जो सत्रह है ये किस विषय से रिलेटेड है तो अप्रिश्यता का अंत अप्रियता का अंत जो है यह अनुच्छेद सत्रह के विषय में कहा गया है फोर्टी थ्री प्रश्न कर रहे कि एक किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है तो नौ पॉइंट आठ 9.8 जो न्यूटन है यह एक किलोग्राम भार के बराबर होता है नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 प्रश्न है कि उत्तर वैधि काल के मृद में किस प्रकार के मृद भांड सर्वपरि सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक होते हैं तो चित्रित दूसर जो मृद होते हैं यह जो है सर्वपरि वैशिष्ट सूचक होते हैं फोर्टी फाइव प्रश्न देखिए कह रहे कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है तो ये भुवनेश्वर में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है तो भुवनेश्वर में है फोर्टी सिक्स प्रश्न है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखी ब्यास कितना होता है तो बारह हजार सात सौ छप्पन किलोमीटर होता है कितना होता है दोस्तों सात तो सौ छप्पन किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य व्यास होता है ठीक है तो आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्टी प्रश्न है कि मेडोना किसकी चित्रा किति है तो राफेल की है कहाँ की राफेल की है तो इटली राफेल कहा है तो इटली में तो 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 हो जाएगा तो मेडोना जो हो जाएगा या किस

भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रखी गई है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो जो भारत भारत की भारत की आय है राष्ट्रीय आय वह सबसे न्यूनतम है सबसे कम है 49 <गणिणागा> प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है तो पशुओं की चोरी जो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किसका किया गया है तो पशुओं की चोरी का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है 50 प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है तो केरल में है साइलेंट वैली किस राज्य में है दोस्तों तो केरल में हो जाएगा आगे देख सकते हैं प्रश्न जो फोर्टी फिफ्टी वन प्रश्न है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है विपरीत चक्रण फिफ्टी टू प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है तो अनुच्छेद जो नाइन्टी वन है यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद नाइनटीन भा, के भाग वन में प्रेस की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है फिफ्टी थ्री प्रश्न देखिए कि हैजा के जीवाणु की खोज किसने की तो रॉबर्ट कोच ने रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणुओं की खोज किए थे आगे देख सकते हैं फिफ्टी फोर प्रश्न कि आर्यो का मुख्य व्यवसाय कौन सा था तो आर्यु का मुख्य व्यवसाय कृषि था आर्यो का मुख्य व्यवसाय कौन सा कृषि था फिफ्टी फाइव प्रश्न कि चैत्य जो है ये किस धर्म के अनु अनुयायियों का पूजा स्थल है तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है इसका पूजा स्थल माना जाता है चैत्य ओके आगे देखिए जो 56 प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है तो 12714 किलोमीटर होता है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 57 प्रश्न है कि महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी तो में कब हुई थी उन्नीस सौ ईस्वी में महिलाओं की ओलंपिक में सबसे पहले भागीदारी हुई थी फिफ्टी एट प्रश्न है कि योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी तो पंचवर्षीय योजना चौथा ठीक है आगे देख सकते हैं यहां पे फिफ्टी नाइन प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी किसकी उपाधि धारण की थी परमेश्वर की सिक्सटी प्रश्न है कि बौद्धो को बौद्धों का तांबे तांबो मठ किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा बौद्धो का तांबो मठ जो है यह किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में है ठीक है सिक्सटी एट प्रश्न है दोस्तों कि किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है तो घर्षण के कारण जो है बर्फ पर चलना कठिन होता है ओके टू प्रश्न देखिए किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु है अपने ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न सिक्सटी थ्री प्रश्न है कि किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सामान्य नाम है न्यूक्लियॉन है आगे देख सकते हैं सिक्सटी फोर प्रश्न किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी बलम की उपाधि धारण की तो पुलकेशन देती है किसने तो पुलकेशन देती है आगे देख सकते हैं जो 65 प्रश्न है किसने लिखा कि निज भाषा उन्नति है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल निज भाषा उन्नति अहै दोस्तों है सब उन्नति का मूल ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह जो काव्य पंक्तियां है ओके okay. देख सकते हैं प्रश्न है कि पृथ्वी को किस प्रत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है तो भू जिसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं सिक्सटी सेवन प्रश्न मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है तो हृदय हो जाएगा आप लोग को थोड़ी देर पहले बताएं कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है तो हृदय है प्रश्न देखिए कि भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक कौन सा है तो उसका नाम हो जाएगा निर्यात का विविधित करण निर्यात का विविधिकरण जो है यह भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में अपना सहयोग प्रदान करता है सिक्सटी नाइन प्रश्न है कि बदामी और वातापी के चालू के वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था तो पुलकेशन द्वितीय था कौन था दोस्तों तो पुलकेशन द्वितीय था सेवेंटी प्रश्न करे की अब अबलो नसानी अब न नो पद ये जो है तुलसीदास की किस कृति में मिलती है तो विनय पत्रिका विनय पत्रिका जो है ये कृत क्रित, एक कृति जो है ये तुलसीदास की है अबलो नसानी अब न नसो ये जो पद है तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलती है सेवेंटी वन प्रश्न है कि रेबीज का टीका किसने बनाया तो लुई पाश्चर रेबीज की टीका का खोज किसने किया था तो लुई पाश्चर ने किया था ठीक है सेवेंटी टू प्रश्न देखिए सेवेंटी टू प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था तो नीलम संजीव रेड्डी कौन थे दोस्तों तो नीलम संजीव रेड्डी आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न सोलह सौ में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था पुरंदर की संधि पूछा जाता है प्रश्न में कि पुरंदर की संधि कब हुआ था तो याद कीजिएगा सोलह में हुआ था ठीक है और ये किसके बीच हुआ था तो ये जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं जो सेवेंटी फोर प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत अलंकृत किया गया था तो सोहमद हुसैन को किसको अलंकृत किया गया था जरी कलम की उपाधि से तो सोहमद हुसैन को नेक्स्ट प्रश्न है कि मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना एक पंक्ति किसकी है तो मोहम्मद इकबाल की एक पंक्ति है बहुत अच्छा सा यह पंक्तियां बहुत बार आया हुआ पंक्तियां मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्तियां मोहम्मद इकबाल के हैं दोस्तों ठीक है नेक्स्ट प्रश्न फोर्टी सिक्स यहाँ पे सेवेंटी सिक्स प्रश्न है कि पृथ्वी की किस परत को सियोल परत कहा जाता है तो भूप्रपटी को सियोल परत कहा जाता है नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 77 प्रश्न है कि कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था तो हैदराबाद का निजाम हैदराबाद का निजाम नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 प्रश्न है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पे स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है सेवेंटी नाइन प्रश्न है कि, कि किसको श्री कलाम की उपाधि से नवाजा गया था तो अब्दुल अब्दुसमाद को अब्दुल मद को जो है श्री कलाम की उपाधि से नमाजा गया था इनको ठीक है तो ये बहुत अच्छा सा इनका नाम है इसे याद कीजिएगा अच्छा सा प्रश्न है ये मद को नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न है कि वंदना को इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला मिला लो यह काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित गया है तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा कि वंदना के इन स्वर में एक मेरा जो स्वर है इसको भी मिला लो ये जो काव्य पंक्ति है सोहनलाल द्विवेदी जी की काव्य पंक्ति है ओके यहां पे एटी एटी वन प्रश्न की कि एवं बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है तो घर्षण है घर्षण होता है तब जाकर ब्रेक लगता है देखिए 82 प्रश्न देखिए अच्छा सा प्रश्न तो 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 है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति प्रश्न देखिए कि किसमें क्लोरिन की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस वन होती है तो हाइपोक्लोरस अम्ल में हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरिस की क्लोरिन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह प्लस वन होती है एटी प्रश्न देखिए

प्रमोचन कब किया गया था तो 7 मार्च 2009 को किया गया था नासा के एक टेलीस्कोप नाम था केपलर मिशन इसका जो है 7 मार्च 2009 को किया गया था 88 प्रश्न है कि एल के आयात के लिए भारत में पहला एल टर्मिनल कहां स्थापित किया गया था तो दाहेज में स्थापित किया गया था कहां पे किया था जाए किया टर्मिनल को तो दाहेज में 89 प्रश्न देखिए कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था तो लॉर्ड वेबले के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं 90 प्रश्न है कि किस देश की राजनीतिक दल बर्थ पार्टी है तो इराक का राजनीतिक दल बर्थ पार्टी किसका है बर्थ पार्टी इराक का हो जाएगा नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहां पे जो नेक्स्ट प्रश्न है नाइनटी वन की आवृत्ति बिजी जिसको एनजीओ स्मरण के नाम से जानते हैं ये किस कुल से नारियल संबंधित तो पालम से किस में संबंधित है तो पालमी से रिलेटेड है 92 टू प्रश्न देखिए कि अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वह किस राज्य से संबंध है तो वह आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ओके 93 प्रश्न है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है तो गति के तृतीय नियम से गति के तृतीय नियम से संबंधित है ठीक है तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आगे देखिए प्रश्न इंटी फोर प्रश्न है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो क्लीमेंट एटली क्लीमेंट एटली जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था आगे देख सकते हैं नाइन्टी फाइव प्रश्न है कि सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है तो भारत की सी बी जो है भारत की एक गुप्तचर संस्था है नाइन्टी सिक्स प्रश्न है कि पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है तो पिपला द्रव के रूप में होता है पृथ्वी का कोर 97 सेवन प्रश्न है कि आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है तो मैकिया वेली को मैकिया वेली को राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है जो आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक है प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है तो ओपोक के साथ किसके साथ तो ओपेक ओपेक के के साथ के साथ ठीक है 99 है प्रश्न कि वेबेल प्लान की घोषणा लॉर्ड जून उन्नीस सौ पैतालीस को चौदह जून उन्नीस सौ पैंतालीस को वेबेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेबिल के द्वारा की गई थी नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं हंड्रेड प्रश्न हम लोग कर लिए कि CIA, किस देश की गुप्तचर एजेंसी है सो संयुक्त राज्य अमेरिका की है संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर संस्था का क्या नाम हो जाएगा तो सी आई ए इसे ध्यान में जरूर रखिएगा अब देखिए आते हैं जो वन हंड्रेड वन प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है तो ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाएगा किसका तो ऑक्सीकरण का यहाँ पे 102 हंड्रेड टू प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री करते हैं आगे देखिए यहां पे जो 103 हंड्रेड थ्री प्रश्न है कि एनजीओ स्पर्म के कुल एनजीओ स्पर्म में कुल एनजीओ स्पर्म किस कुल में गन्ना संबंध है तो गृह मैसी कुल में है किस में तो गृह मेसी फुल में में ओके एक हजारेड फोर प्रश्न जो है कि में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है तो अमाजू उसको कहा जाता है अमाजू ठीक है इस चीज इस नाम को जरूर दिमाग में रखिएगा उसको कहा जाता है अमाजू नेक्स्ट प्रश्न एक यहाँ पे जो 105 प्रश्न है 105 हंड्रेड फाइव प्रश्न की ग्रीन पीस है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो एम्स में इसका मुख्यालय स्थित इस है कहाँ पे स्थित इस है इसका मुख्यालय तो एम्स में इसका मुख्यालय इस स्थित है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 106 प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो तिब्बत का पठार है कौन सा पठार है तो तिब्बत का पठार 107 प्रश्न है कि सेन वार्ड सेंचुरी माई टॉप My top, 1000 टेस्ट क्रिकेटर्स किसने लिखी पुस्तक है तो सेन वार ने लिखी है ये जो इनकी पुस्तक है सेन वार सेंचुरी माई टॉप एक हजार टेस्ट क्रिकेट किसकी लिखी पुस्तक है तो सेन वार की पुस्तक है यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है एक वहां पे वन हंड्रेड एट प्रश्न भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष हुई थी तो 1970 से उन्नीस के बीच जो है भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी नेक्स्ट प्रश्न 109 प्रश्न है कि ऋग्वेद में दस शब्द है किसके लिए प्रयुक्त है तो अनायो के लिए प्रयुक्त है किसके लिए प्रसिद्ध है तो अनायो के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट प्रश्न है 110 प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो उन्नीस में की गई थी कब की गई थी तो उन्नीस में की गई थी ठीक है यहाँ पे जो 111 प्रश्न है कि एक आदमी पांच के का एक सुटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्या होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा आगे देखिए प्रश्न जो है वन हंड्रेड ट्वेल्व यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है सबसे पहले तो यह इसकी सूचना जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री को देता है किसको तो प्रधानमंत्री को नेक्स्ट प्रश्न है वन हंड्रेड जो थर्टीन प्रश्न है कि किस गैस का उसके वाष्प घनत्व का होता है तो दुगना होता है वाष्प घनत्व का कितना होता है तो वाष्प घनत्व का दुगना होता है आगे देख सकते हैं जो वन हंड्रेड फोर्टीन प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है तो यह अर्थवेद से संबंधित है अर्थवेद से नेक्स्ट प्रश्न है वन हंड्रेड फिफ्टीन के मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापना किस वर्ष की गई थी तो उन्नीस में कब संगठन इसकी स्थापना की गई थी तो उन्नीस सौ सैतालीस नेक्स्ट प्रश्न है यहां पे जो वन हंड्रेड में प्रश्न है तो इक्वाडोर में इक्वाडोर में जो है ये कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है आगे देखिए प्रश्न जो है यहां पे वन हंड्रेड की एक कोश की जीवो का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था तो लिवियन हॉक ने किया था किस वैज्ञानिक ने किया था एक कोश की का अध्ययन तो लिबियन हॉक ने किया था नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो है वन हंड्रेड एटी प्रश्न है कि केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं तो भूमि के प्रयोग के लिए इसको भुगतान का आर्थिक लगान कहते हैं है, इलतुतमिस के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था तो मिन उस मिनहाज उस सिराज को, को जो है इलतुत इतुतमिस के राज दरबार में इनको संरक्षण मिला था ठीक है सुरक्षा

याद कीजिएगा बहुत अच्छा सा प्रश्न है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे तो गुलजारी लाल नांदा 23 100 23 प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली तो मुसली पटना में खोली थी सबसे पहले फैक्ट्री खोली थी 1611 ई तो में खोली थी कब खोली थी तो सोलह सौ ग्यारह में किसने खोला था तो अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर है कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे कौन थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव की भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध असल कौन सा है तो सियाचिन क्षेत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो सियाचिन क्षेत्र आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स की विश्व के सबसे ऊंची पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था अल्पाइन हलचल के दौरान जो है विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत है उसमें हलचल देखने को मिला था 127 प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था तो लॉर्ड बेलजोली ये जो लॉर्ड बेजोली थे ये गवर्नर जनरल थे इन्हीं के शासनकाल में टीपू सुल्तान मारा गया था नेक्स्ट 21, 128 प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य और अत्यंत कम रहा है तो जो मोटे अनाज होते हैं इस पर जो है सबसे अत्यंत कम रहा है नेक्स्ट प्रश्न है कि शासकों की राजधानी थी तो, तो, तो माजुल हो जाएगा कौन सा है माजली वहां पे आगे देखते हैं घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है ऊर्जा तो जो, जो है यह संचित होती है नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है तो कि किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नांदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के जब जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे तो इनके निधन के बाद गुलजारी नंदा गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था आगे देखिए जो 133 प्रश्न है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का गैसों का मिश्रण का दर अनुपात एक अनुपात चार होता है कितना एक अनुपात चार होता है नेक्स्ट 134 प्रश्न है कि जैन मतलब जैन मतबाला ने बोलचाल की कि किस भाषा को अपनाया था तो जिसको अर्धमागति के नाम से जानते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो 135 प्रश्न है कि नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है तो एक जनवरी को जो हम लोग आज मनाते हैं जिसको नौ वर्ष मनाते हैं एक जनवरी को वहीं पे नागालैंड दिवस जो है एक जनवरी को ही मनाया जाता है ओके okay? नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है तो रॉकी पर्वत कौन सा पर्वत तो रॉकी पर्वत ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रश्न वन हंड्रेड थर्टी सेवन प्रश्न है कि सोनझाड़ द्वितीय एवं सोनझाऊ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है तो चीन के है किसके तो चीन के है ये मानव रहित अंतरिक्ष यान यहाँ पे वन हंड्रेड थर्टी एट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट प्रश्न देखिए 139 हंड्रेड थर्टी नाइन प्रश्न की दिन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना अठारह में किसने की तो ज्योतिबा फूले किसने की तो ज्योतिबा फूले और लास्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 140 की प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो आज की क्लास में हम लोग 140 हंड्रेड फोर्टी प्रश्न किए जो कंप्लीट लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कॉमेंट करके बताइएगा जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ तो आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा जितना हो सके शेयर जरूर कर दिएगा तब तक के लिए जय हिंद दिल से जय हिंद जय जै भारत